अस्सलाम वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे, आमीन। और ये आज सुबह उठते ही इन्होंने ली है क्लास, और थोड़ा लेट ही उठे थे, और दोपहर के 2 बज रहे हैं। क्लास ले ली है इन्होंने, और मुझे खाना बनाते बनाते नाश्ता बिना नाश्ता किए ये आज बैठ गई पढ़ने के लिए, और मुझे ना इनके लिए खाना बनाते बनाते टाइम लग गया। तो बस मैंने आज बनाया था इनके लिए मटन और चने की दाल। जी अच्छा। और ये है कि मैं इनके साथ बैठ के खा नहीं रही, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इनको इसलिए खाने के लिए दे दिया कि भूख लगी हुई है, चले बच्चे तो खा लें। बच्चे वेट नहीं कर सकते क्योंकि अदील आएंगे, अभी 2:33 हैं, तो अदील आएंगे 4 o'clock, तो तब तक बच्चे सब्र नहीं कर पाएंगे। ऑफिस से पापा 4 o'clock आते हैं ना बेटा, 3 o'clock आते थे, अब ड्यूटी बढ़ गई है पापा की। 3 o'clock पहले आया करते थे, अब 5 o'clock हो गई है ड्यूटी इनकी, लेकिन आज ये 4 o'clock इसलिए आ जाएंगे कि थोड़ा सा खाना खा लेंगे और फिर इनके लिए जाना है, स्विमिंग क्लास के लिए निकलना है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ऑफिस से 4 o'clock आ जाएंगे। तो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ, उनके साथ ही खाऊंगी। और ये मोहम्मद अपनी पेट पूजा खुद ही कर रहे हैं, हालांकि उनको जो है ना पसंद जो यही है, खुद ही खाने में लगे हुए हैं। चेयर वो पीछे जाए जा रही है, और मैंने कहा मैं सब्र कर लो, मैं खिलाती हूँ, तो मोहम्मद साहब को सब्र नहीं हो रहा। और कैसा बना सालन? टेस्टी है। तो ये पूरी प्लेट साफ होनी चाहिए, ठीक है? बस तो अच्छा जी, बस आदिल साहब आ गए थे 4 o'clock, और हम बस जल्दी जल्दी खाना खा के फ़ौरन ही निकल आए क्योंकि इनकी स्विमिंग क्लास के लिए जाना था, और इनकी स्विमिंग क्लास से फ्री होके जाएंगे मार्केट थोड़ा सा घर की ग्रोसरी करने। घर की ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हुई भी है, आपको पता है 2 days से पहले ही मैं आई जिद्दा से, तो सामान तब भी मैंने नहीं लिया, तो अभी थोड़ा बहुत जो घर में चल रहा था तो अब ग्रोसरी लाजमी हो गई है क्योंकि इनकी दादी ने भी आना है। यस। और ये है कि बाकी 10 days रह रहे हैं। 10 days रह रहे हैं और हमें शिफ्टिंग अभी सोचना है, ये कब करनी है, ईद पे यस करनी है, ईद के बाद करनी है या ईद से पहले करनी है, ये डिपेंड जी। करता है। तो आने वाले जितने भी व्लॉग हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर एक एक व्लॉग जो है ना, आने वाले जितने भी व्लॉग हैं वो सब देख रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, यहाँ से जिद्दा या दमाम से जिद्दा या वॉट एवर कोई भी सिटी, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट है किस तरह शिफ्टिंग हो रही है क्या नहीं प्रोसेस सारा, वो जो है ना उनके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। और आज और शिफ्टिंग वाले भी घर पे आएंगे, आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, जरा सा सामान वामान देखने की मूवर्स हैं, पैकर्स वाले वो लोग हैं, सामान पूरा वो लोग खुद पैक करेंगे सिवाय क्लॉथ के, ना कपड़े हम सिर्फ पैक करेंगे। हाँ, वो तो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है, तो वो आज आके सारा हिसाब किताब हमें बताएंगे कि कितना यहाँ से वो ट्रांसफर के लिए लेंगे पेमेंट, वो भी मैं आप लोगों के साथ पेमेंट शेयर करूंगी, ताकि जो जो शिफ्टिंग का जिनका प्रोसीजर चल रहा है उनके लिए हेल्पफुल हो सके। yes, exactly. और अगर उनका नंबर भी किसी को चाहिए होगा तो वो भी मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह। वो आप लोगों को कमेंट्स में करना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा। और बाकी जो मूवी एंड पैकर्स वाले हैं वो लोकल भी करते हैं। यस yes, और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं, इतना कि आपकी जो चीज़ है ना वो इतनी एहतियात से रखते हैं कि आपकी यानी कि आपका नुकसान नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल सामान उठाएंगे वैसे ही लगाएंगे। यस yes. ऐसे ऐसे थोड़ा सा इनको जो है ना ऐसा आदिल साहब जो है ना ट्रेनिंग दे रहे हैं कि थोड़ा गाड़ी से थोड़ा पीछे बैक साइड पे थोड़ा सा इनका जो है ना बहनों के साथ दिल लग जाए और थोड़ा ये वहाँ पे भी बैठना शुरू कर दे, वरना तो ये मुसलसल मेरी गोद में ही रहते हैं। यस ऐसे ये एक्टिंग हो रही है। ओह
एक्टिंग एक्टिंग ओहो एक्टिंग इतनी एक्टिंग। इनको मतलब ये जो पायसन है इनको देते हैं भाई। यस आपके पीने के पायसन नहीं है। आपने अपने चिप्स खा लिए? घी फार्म का देखे, फार्म का कितने का लगा हुआ है? 54 का बड़ा वाला है, मगर शिफ्टिंग टाइम तो नहीं कर पाएंगे ना। अभी छोटा ही ले लें फिलहाल। फार्म का छोटा ले लो, 41 का है। ये मोहम्मद ना शॉपिंग करने दे नहीं रहा, इतना रोना डाला हुआ है इसने। मोहम्मद ये ले लो, ये ले लो। वाह मजे का है, ले लो। मूड ही सही नहीं है इनका। और हम लोग इनकी स्विमिंग क्लास के बाद फौरन ही हम मार्केट आ गए। और थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी है इसको दो, जैनब को दो, जैनब को भी दो केक। मेन जो है वो है सब्जी। 7 इसमें सारी पक्की नहीं है, थोड़ी कच्ची वाली उठा। आज थोड़ी ज्यादा कच्ची वाली हूँ और पकती हूँ, फिर ही मज़े की लगती है मुझे। ये खरबूजे की इतनी खुशबू है कि मार्केट में ना फैली हुई है। अब ले लूँगी तो पता नहीं निकलेगा कैसे अंदर से। ट्रॉली में रखते हो ना बेटा? ये वाला उठाओ, देखो इसको खुशबू है इसमें। खुशबू पता नहीं कौन से खरबूजे की फैली हुई है। ये भी एक है, उधर भी रखा है। हाँ जी क्या हुआ? मैं इनको ढूंढती फिर रही हूँ, ये मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ जी क्या? अलमराई का अच्छा होता है, अलमराई। लेकिन अलमराई का अच्छा होता है ना ये, डबल मिल्क चॉकलेट वो वाले, ये वाले मत लो ना दिख के, ये अलमराई के। फ्रिज में रखना ठंडे, वो वाले अच्छे होते हैं। शॉपिंग हमने कर ली है और अभी हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं मार्केट में। और क्योंकि अज़ान हो चुकी है इशा की, और मैंने ये एक पतीला भी लिया है जिसमें लगी हुई है ऑफ़र। ये बड़ा पतीला है राइस के लिए, 164 का है, काफ़ी बड़ा है राइस वग़ैरह के लिए। और मैंने जो लिया है वो है, मैंने जो उठाया है वो ये वाला है, ये वाला सालन वगैरह बनाने के लिए ये वाला उठाया है। ये होमवे का ये है 109 का ये वाला उठाया। काफ़ी ऑफ़र लगी हुई है बर्तनों पे, लेकिन मेरा दिल था कि मैं राइस का भी उठा लूँ, एक ये वाला भी उठा लूँ, एक ये वाला भी उठा लूँ। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो बजट के मुताबिक अभी एक ही पतीला ले सकते हैं, बाकी बाद में ले लेंगे। और बस काफ़ी मार्केट में सन्नाटा है और हम ही हम घूम रहे हैं यहाँ पे भी। जी बेटा आ रही हूँ मैं। यहाँ पे भी ऑफ़र लगी हुई है काफ़ी बर्तनों में। बर्तनों को देख के ना पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसे होता है कि बस सारे उठा लूँ। मैं यहाँ बैठ के अब वेट करना पड़ रहा है, अजान होगी किताब होगा। और भूख भी बहुत लग रही है मुझे, तो कस के भूख लग रही है। पता नहीं क्यों मैं मार्केट में आती हूँ और ख़ास तौर पर मार्केट में आते ही जो इनकी बेकरी वाला साइड होता है ना, मैं वहाँ जाके मेरी एकदम भूख मुझे लगना शुरू हो जाती है। उनकी खुशबू वहाँ जो पक रही होती है, ब्रेड्स वगैरह जो खुशबू आ रही होती है, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग जाती है उसकी खुशबू से। और अभी भी मुझे भूख लग रही है, ऐसा फील हो रहा है जैसे अपनी मार्केट है ना दी, अपनी अपनी फील हो रही है, यानी खाली है ना कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ही मार्केट है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी देगा कि अपनी फ्यूचर में मार्केट होगी कुछ ज़्यादा ओवर ही मैं सोच रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीदें रखनी चाहिए। कभी कभी इस उम्मीदों पे दुनिया तो कायम है, कायम है भाई, तो कभी कभी ये उम्मीदें सच्ची भी हो जाती हैं। उधर लाइनें बहुत लंबी हो गई हैं अपनी अपनी मार्केट करते करते। मार्केट
मैं ये सोच रही हूँ इनकी जो इतनी सारी हमने छोटी छोटी चिट्ठियाँ ले रही हैं उन चीज़ों से अच्छा है कि हम ये एक ये ले लें 44 रियाल की लगी हुई। ये खाती भी हैं शौक से। हाँ ये छोटी मोटी चीज़ें सारी रखो अपनी, चुटर पुटर ये भी रखो, ये भी रखो, चलो शाबाश, ये रखो सारी एक ही चीज़ लो, बड़ा वाला भी चलिए है ना, छोटी मोटी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, खा के ख़त्म हो जानी है। ये एक एक टॉफ़ी आप खा सकते हो आराम से। वो भी सेल में था ना 44, वो 44 का है। नहीं आई थिंक इज ओके, और ये 54 का है। तो कौन सा लेना, वही छोटा लिया ना। अच्छा जी अजान ख़त्म होते ही मैं तो बाहर निकल आई, लाइन बहुत लंबी लग चुकी थी और मोहम्मद आप लोगों को पता है मुसलसल आप लोगों को शॉपिंग करते वक्त इसकी चीखें इसका रोना धोना सुनाई दे रहा होगा। तो बस मैंने आदिल साहब से चाबी पकड़ी और मैं गाड़ी में आ गई। और नहीं है सुकून आज सुबह ना, ये मार्केट में ये खा खा के पता नहीं क्या क्या, इसको चुप कराने के लिए मैंने इसको क्या क्या नहीं उठा के दिया, चॉकलेट दूध पता नहीं क्या क्या हर चीज इसको दे दी हाथ में, लेकिन इन्होंने कहा कि कौन होके चुपो, और इन्होंने कपड़े भी खराब कर दिए अपने सारे। जी मा, क्या खोल के दे? नहीं मैं नहीं खोल के दे रही नहीं, ताकि पूरी गाड़ी हो जाए पानी पानी है ना ऐसे। मुझे तो लग रही है मार्केट में घूमते घूमते बहुत ज्यादा भूख, अब मैंने आदिल साहब को बोला है मुझे लेके दे जो फतीरा मैं बहुत शौक से खाती हूँ वुडन बेकरी से, वो जाके अभी लेंगे हम। हमारा पेट भरा है क्योंकि हमने मार्केट में हर चीज खा ली है। सुन ली बस जो जूस भी पिया है ना हमने बस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खा लेना क्योंकि आप लोगों ने खाना खाया था 2 बजे 3 बजे, तो फिर भी फतीरा पापा लेंगे वो भी खा लेना और घर चलते। क्या 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 क्या, क्या हो रहा है, कितने गंदे हो गए ये देखो, छी हो गई है कपड़ों में, सारी छी फैल गई है देखो, सारी छी गंदे कपड़े गंदे कपड़े गंदे कपड़े। अच्छा माओ बिल्ली कैसे आती है मोहम्मद? माओ 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 ऐसी माओ आती है, माओ कैसी आती है? माओ 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 माओ। आ गए आदिल साहब। अच्छा जी अब हम खाने लगे हैं फतीरा। यस मुझे बहुत पसंद है और बड़ा दिल चाह रहा था फतीरा चाहिए फतीरा चाहिए फतीरा चाहिए, और सुबह दोपहर में जब मैंने बोला आपने कहा अभी थोड़ी मिलेगा, और आपने कहा फतीरा एक चाहिए, मैं 3 लेकर आया। हाय अल्लाह, चलें अल्लाह आपको ऐसी वुडन बेकरी खोल के देगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। घर तो पास ही है लेकिन मुझसे तो बिल्कुल सबर नहीं हो रहा, मैं तो यहीं खोल के ही खाऊंगी इसको, और ये गरम गरम ही मज़े का लगता है, ये ठंडा मज़े का नहीं लगता। यस एक एक शॉपर उठाओ, चलो घर घर पहुंच गए हम खैर से जी। ये सामान आ चुका है, अभी ग्रोसरी पूरी धोनी है और फ्रिज में सेट करनी है। सामान सारा सिमट चुका है, बस ये सिर्फ एक पतीला है जिसको मैंने अभी ओपन नहीं किया, इसको ओपन जो है ना सुबह करूँगी, और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अव्वल तो मुझे जो सफ़र की थकान है वही नहीं उतर रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे शोल्डर कमर बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती भी चढ़ी हुई है, अजीब सी सर दर्द, शायद मुझे शिफ्टिंग की टेंशन है, शायद पैकिंग की टेंशन है, या घर की आई डोंट नो पता नहीं क्या है, मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी इन दिनों में चल रहा है, और काम भी मुझसे हो नहीं रहा, फिर भी उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसलिए लगी हुई हूँ कि बच्चों को तो किसी चीज़ का नहीं पता होता, उनको तो नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उनके लिए तो काम करना ही पड़ता है, ख़ुद को एक्टिव रखना ही पड़ता है आप चाहे जितने भी थक जाओ। तो बस फ्रिज में जितना हो सका है मुझसे थोड़ा सेट कर लिया है,
और इन्होंने चॉकलेट का बॉक्स उठाया, तो ये चॉकलेट खोल खोल के खा रही हैं। खा चॉकलेट खोली है, पहले जाओ इनाया मेरे लिए ठंडा पानी का गिलास भर के लाओ। ओपन नहीं किया अभी, इनको चॉकलेट्स खानी। थैंक यू थैंक यू। इसको तो नहीं खोल के दीजिएगा आदिल, क्योंकि ये जो है ना खाते नहीं है, ये पूरी अपने कपड़ों को लगा देते हैं, सोफे पे लगा देंगे और खाना माना इनको होता नहीं है। जैनब आपने कितनी टॉफी ली है? हाँ टू ले लिए ना, अब और नहीं लेनी ठीक है, क्योंकि ये एकदम नहीं खा सकते। ओके ठीक है, पापा को भी दे दो और ये खाओ, और टाइम भी पापा को दे रही हूँ तीन। अच्छा जाओ, 11 बजने वाले हैं, ये खाने के बाद सोने की तैयारी करो ठीक है, कपड़े वपड़े चेंज करके। और आज का व्लॉग करूँगी मैं यहीं ख़त्म, नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी इन शहजादियों को, मेरे शहजादे को दुआओं में याद रखिएगा। और बस खैर से हमारा सारा काम हो जाए। ओके अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, शब खैर।